मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अटल आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को एडमिशन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। इसी तर्ज पर 57 जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद इंटीग्रेट केंद्र खोले गए हैं, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को कैंपस में सभी शिक्षा व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा कोरोना में जिन बच्चों के अभिभावकों की मृत्यु हो गई है, उन्हें भी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालयों के नवनियुक्त शिक्षकों के एक रिफ्रेशर कोर्स, जो उनकी ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सभी 9 चयनित प्रधानाचार्य, शिक्षक और प्यारे बच्चों, यह एक शुभारंभ है, सदैव अटल जी के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने की एक अभिनव पहल भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि समृद्धि का मापक ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली से की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। पहले चरण में 18 कमिश्नरी हैं। इन 18 कमिश्नरी में एक एक विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भौतिक दृष्टि से पूरे हो चुके हैं। उनका पहला सत्र प्रारंभ होगा और प्रारंभ होने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन के पूर्व जिस टीम को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के इस अभिनव कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, उससे संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। संवाद इस बात को लेकर के जो शिक्षक वहां कार्य करेंगे उनका विजन भी क्या होना चाहिए। आपने चयन की प्रक्रिया देखी होगी, इसके पीछे की मंशा क्या है। जो BOC बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों को हम लोग इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देंगे। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, उन बच्चों के अभिभावक के भाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की और उन बच्चों को भी हम प्राथमिकता इसमें प्रवेश के लिए देंगे। और ये पहला सत्र प्रारंभ होगा, इस दृष्टि से शिक्षकों को अपनी तैयारी, इस सभी विद्यालयों के भव्य उद्घाटन की अलग से तैयारी होगी, लेकिन पहले चरण में वहां पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाए इस दृष्टि से आवश्यक है और इसीलिए पहल की गई है। ये CBSE के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और BOC बोर्ड उठाएगा और ये सत्र प्रारंभ होगा। यह जो टीम संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में वहां काम करेगी, ये उनके सामर्थ्य को मापने का भी एक माध्यम होगा। याद रखना, शुरुआत जैसे होगी परिणाम भी उसके अंत में उसी प्रकार के सामने आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जोरदार शुरुआत, संस्कारवान शुरुआत, एक राष्ट्र को समर्पित नागरिक निर्माण की एक शुरुआत, यहां से निकला हुआ छात्र जब 6 वर्ष के बाद बाहर निकलेगा तो समय अपने आप को एक स्वावलंबी नागरिक के रूप में, समर्थ नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सके, इसके लिए संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के टीम का दायित्व बनता है। जो प्रधानाचार्य के नेतृत्व में टीम होगी, उस टीम का दायित्व बनेगा कि वह इस कार्यक्रम को इसी ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं बार बार कहता हूं, लकीर का फकीर बनने की प्रवृत्ति से हमें उभरना पड़ेगा। कुछ नयापन, नए तरीके से जो हमें स्वावलंबन से समृद्धि की ओर अग्रसर कर सके। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे आयाम शिक्षा के क्षेत्र में खोलने के लिए द्वार खोले हैं, शिक्षा भी, स्किल डेवलपमेंट भी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी। लेकिन क्या उस कैंपस में हम एक ऐसा माहौल दे सकते हैं कि शिक्षक से लेकर के विद्यार्थी तक गुरुकुल की आदर्श व्यवस्था के अनुरूप उस पूरे कैंपस का दायित्व अपने हाथों में लेकर के उसके पूरे कार्यक्रम के संचालन को भी अपने स्वतः स्फूर्त भाव के साथ करते हुए दिखाई दें, यह अटल आवासीय विद्यालय की पहचान बननी चाहिए।
इस विश्वास के साथ मैं आज के इस गुरुवार्ता संगम के अवसर पर सभी शिक्षकों के प्रति, सभी नव प्रवेशित छात्रों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप भारत की शिक्षा की नींव का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।